कनखल हरिद्वार में आश्रम स्थापना। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जे जग सुखकारी। नाथ विनय एक मानिए, करें अनुग्रह आज, आश्रम का निर्माण हो हरिद्वार महाराज। हरिद्वार में होय जब आश्रम का निर्माण, बहुजनता का हे प्रभो होगा फिर कल्याण। हमको अवसर नित मिले दर्शन का हे नाथ, आश्रम का निर्माण करी हमको करें सनाथ। गंगा तट पर नाथ जी लेकर भूमि एक, आप बनाइए आश्रम हमें मिले तव टेक। ऐसी विनय सुनाय कर सभी भये नत माथ, सदगुरु तब कहने लगे दे आशीष एक साथ। भक्त जनों तुम सच उच्चारा, हरिद्वार है तीर्थ भारा, बहु भक्त वहां हुए एकत्र, इसकी विदित महिम सर्वत्र, देश विदेशी जन चल आए गंगा माँ के दर्शन पाए। ऋषि मुनियों की कुटिया देखें, हरि की महिमा को भी देखें। हरि द्वार है हरि का द्वार, असंख्य जीव आ लागे पार। गंगा माँ का निर्मल नीर, निर्मल उस तट बहत समीर। निर्मल मन से ऋषि मुनि सारे करते वास हैं हरि के द्वारे। श्रद्धा से जो जन चल आए निर्मल तन मन करके जाए। निर्मल छटा अनूप है हरिद्वार की मीत, धन्य सकल जन आप हैं जिनकी हरि से प्रीत। हरि से प्रीत करत हैं जो जन, सिमरें हरि को ला निज जो मन। योग द्वारे वे चल आवे, प्रभु जी से आशीष को पावे। प्रभु जी हैं करुणा के धाम, हुए शरणागत पूर्ण काम। पूर्ण करें तव भाव भगवान, उनके चरणों का करो ध्यान। सृष्टि सकल उनकी उपजाई, उनके लिए न कुछ कठिनाई।
हरिद्वार आश्रम बनवाए, भक्त सकल भी चल के आए। आपकी इच्छा होए पूरी, दूर भये आश्रम की दूरी। ऐसा स्थल अब देखो जाए, प्रभु का आश्रम जहां बन पाए। हर्षित होकर चल पड़े, आशीष गुरु से पाए। भूमि देखें हम सभी, हरिद्वार में जाए। द्वार हरि के पहुंच कर, कीना उन प्रयास। कनखल में फिर मिल गया, खंड भूमि का खास। सुंदर भूमि देख कर, आविनती उनकीन। नाथ गंग के तीर पर, देखी भूमि नवीन। गंग नहर के पास है, गंगा तट पर नाथ। राजमार्ग के साथ ही चली देखें हम साथ। हरिद्वार तब नाथ पधारे, संग भक्त भी आए सारे। उन सब ने फिर थल वह देखा, सुंदर थल है सबन उलेखा। सदगुरु के भी मन वह भाया, भक्त कहें हे प्रभु कर दाया। आश्रम का करिए निर्माण, आपसे मांगे हम यह दान। सदगुरु सुनकर उनकी बात, कहन लगे हे प्रिय ममतात। दीन दुनिया के वाली नाथ, करन करावन उनके हाथ। सृष्टि के जो रचने हारे, उनके आश्रित हैं हम सारे। कृपा उनकी यदि हो जाए, आश्रम शीघ्र यहाँ बन पाए। आश्रम के निर्माण में कारण खुद हैं नाथ। जिनके आश्रित सब जगत, उनके ही यह हाथ। ऐसा कहकर नाथ जी बैठे अंतर ध्यान। क्षण में गए वहां जहां, राम लाल भगवान। प्रभु का भया था जो आदेश, वह तो विदित ना किसी को लेश। आश्रम उस थल जो बनवाया, उसका नया नाम रखवाया। साधन का करके अभ्यास, आश्रम बना योग अभ्यास। यह लीला प्रभु जी की न्यारी, विरला समझ पाए नर नारी। भवन हेतु बहु धन जुट पाया,
न्यून न माया पति घर माया। राजा राज कृष्ण रंग राय, सह पत्नी खुद आश्रम आए। अपने राज से दीना दान, शीघ्र भया आश्रम निर्माण। सदगुरु देव रह कर सब काल, रचना निरखें दीन दयाल। श्रम हारी खुद श्रम बहु कीन, भक्तों ने भी योग था दीन। भव्य भवन का भया निर्माण, प्रभु की प्रतिमा का प्रतिष्ठान। सुंदर प्रभु की मूर्ति, युगल रूप में मीत। शोभ रही उस भवन में, मोहे भक्तन चीत। भक्त जनों का बहु समुदाय, दर्शन हित आश्रम में आए। सेवक को वह थल है प्यारा, तीर्थ भूमि में तीर्थ न्यारा। योग भक्ति का दृढ़ आधार, निकट बहे जिसके गंगधार। खुद था जिसको गुरु संवारा, प्रभु कृपा की बही थी धारा। कनखल तीर्थ अति प्राचीन, प्रभु आश्रम अब बना नवीन। दो तीर्थन का संगम जान, भक्त एकत्र होते आन। शिव थी शक्ति यहाँ प्रकटाई, दक्ष यज्ञ में जो दिखलाई। योग की शक्ति परम महान, जिसको जाने सकल जहान। राम प्रभु वही शक्ति लाए, योग के आश्रम उन बनाए। आश्रम में जन आय कर, सीख ले जब योग। शक्ति पाए योग से, व्यापे लेश न रोग। ग्रहण करें जन योग की सीख, ध्यान भजन की लेवे दीख। ऐसा आश्रम वह बन पाया, सब जनता के मन जो भाया। सदगुरु रहे इसमें बहु काल, लोक अगंतुक हुए निहाल। रोगी जन जब शरण में आए, सदगुरु साधन योग कराए। साधन से वे हुए निरोग, हर लेता है रोग को योग। ऐसे ऐसे करें वे योग, जाने जिनको नहीं है लोग। आर्ष विद्या थी गुरु के पास, प्रभु दीनी जो इनको खास। मुलख राज था प्रभु को प्यारा, ज्ञान दिया प्रभु उनको सारा।
सिद्ध बनाया योग से, ज्ञान दीन संपूर्ण रामलाल भगवान ने, मुलख किया था पूर्ण, मुलख किया था पूर्ण उन, नहीं न्यून तालेश, पूर्ण से पूर्ण भय, यह एक रहस्य विशेष, पूर्ण सदगुरु जब मिले, शिष्य भी पूर्ण होए, मिले न ऐसा सदगुरु, शिष्य अधूरा सोए, सेवक को गुरु मिल गए, मुलख जी पूर्ण राज, खोटा पैसा भी चला, मुलख राज के राज, कनखल के उस धाम में सेवक रहता पास, सदगुरु जो सेवा कहें कर लेता था दास, सेवा सेवक की स्वीकारी, सीख योग की दीनी भारी, निज शक्ति देखी न निहाल, योगी सदगुरु परम दयाल, योगी सदगुरु का जो दान, उस सम नहीं अन्य वरदान, देह के रोग वा मन का सोग, हरे शिष्य के देकर योग, योग औषध है उनके पास, आधि व्याधि का करती नास, आधि व्याधि से जग दुखारी, योगी सदगुरु करें सुखारी, योगी सदगुरु शरण में लीन, इस विधि सेवक को सुखी कीन, जभी से शरण गुरु की पाई, नाशी व्याधि सब दुखदाई, व्याधि सकल का नाश कर, सुखी करें गुरुदेव, भाग्य विधाता शिष्य के, गुरुदेवन के देव, सदगुरु कनखल आश्रम रहते, क्षेम योग भक्तन का वहते, भक्त जनों के दुख क्लेश, हरते सदगुरु स्वयं निशेष, जो भक्त निज क्लेश बताते, अथवा लिख कर ही भिजवाते, क्लेश सकल उनके मिट जाते, ऐसी अद्भुत कृपा पाते, दूर रहत ही सब दुख जाते, शक्ति विलक्षण प्रभु दिखाते, सदगुरु मूर्ति का कर ध्यान, भक्त यदि निज दुख कथ पान, उनके दूर हों दुख वारोग, विलक्षण सदगुरु का यह योग,
जिसने योग यह लीना जान, सदगुरु से वही युक्त सुजान, सदगुरु से वह युक्त हो, योगी बने सुजान, श्रद्धा भक्ति चित बसे, सदगुरु से पा ज्ञान, जिस ज्ञान सदगुरु से पाया, सिमरण में जिस सदगुरु लाया, श्रद्धा से जिस शीश झुकाया, कर विश्वास शरण जो आया, तन मन धन जिस सकल समर्पा, अपना जीवन उन कर अर्पा, घर परिवार ना अपना जाना, सब कुछ सदगुरु का ही माना, श्वास श्वास गुरु का गुण गाए, लेश न और भाव मन लाए, गुरु पिता गुरु मात पहचाने, गुरु को ही निज बांधव माने, गुरु ही जिसका सखा सहाई, गुरु ही जिसका मांझा भाई, गुरु को ही धन दौलत मान, गुरु को ही सर्वस्व पहचान, करता जो सदगुरु का ध्यान, उसके क्लेश सकल मिट जान, सभी क्लेश उस भक्त के, सदगुरु करत निशेष, इस विध जो सिमरण करतो, सदगुरु चरण विशेष, सदगुरु के जो चरण को स्मरण करे सब काल, भव बाधा उसकी सकल दूर भये तत्काल, कनखल आश्रम नाथ जी रहते आठों याम, रहे समाधि में सदा, सिमरे सदगुरु राम, राम लाल भगवान भी शिष्य की देखें कार, संग रहे उसके सदा, रूप अनेकों धार, रूप अनेकों प्रभु जी धारे, निज सेवक को प्रभु स्वीकारे, प्राकृत नर ना जान यह पाए, लीला निरख भक्त विस्माए, कर कृपा जब प्रभु थे आते, मुलख राज उनके गुण गाते, मधुर गीतों से प्रभु रिझाते, गाते गाते सुध विसराते, मुलख राज की भक्ति देख, जनगण करते सभी उल्लेख, ऐसा योगी विरला भाई, सुधी प्रेम में जो खो जाई, एक कहे तुम ना यह जानो, यह तो रूप प्रभु का मानो,
प्रभुवा इनमें भेद ना लेश। बसत प्रभु घट इसी हमेश, यह घट ही प्रभु का घट जानो। तन मुलख प्रभु का तन मानो, तन मुलख में प्रभु बसत, मन मुलख प्रभु माही। नीर खीरवत जानिए, सकत किमी बिलगाही। अन्य कहे यह बात है ठीक, मुलख राज का कौन शरीक। या महाशक्ति का अवतार, इसका पा सके नहीं पार। यह तो जन्म सिद्ध है मीत, जन्म से ही प्रभु चरणी प्रीत। बालपने से है वैरागी, ईश्वर दर्शन की लिव लागी। साधु संगत का बहु प्यारा, गुरु खोजन का था व्रत धारा। यह तो ध्रुव प्रहलाद समान, बाल्यकाल से भक्त महान। चाची जब इसकी मर पाई, तब जिज्ञासा इस मन आई। जीव कहाँ मर कर है जाता, और जगत का कौन विधाता। योगी गुरु से मिलता ज्ञान, सुन पाया यह बाल सुजान। योगी गुरु से मिलत है जन्म मरण का सार। गुरु योगी खोजन चला, रहा न घर से प्यार। सुनकर उसकी बात को, कहा अन्य ने मीत। बाल्यकाल में त्यागनी, घर से कठिन प्रीत। मुलख राज मैंने सुना, था बालक धीमान। साधु से भी था बड़ा, सबका करता मान। सत्संग हेतु नित था जाता, हर मंदिर में समय बिताता। जो भी मिलता साधु सुजान, करता मुलख था उसका मान। केवल उसकी एक ही साध, गुरु मिले मुझको कोई साध। उसका लक्ष्य यही बस एक, गुरु योगी की ग्राहू टेक। बहु काल उस खोज बिताया, अंत राम लाल प्रभु पाया। यह तो मिलन था दिव्य अनूप, मुलख भया तब राम का रूप। गुरु अवतारी शेष अवतारी, वह मिलन की घड़ी थी न्यारी।
देह की सुध मुलख विसराई। ऐसे सुन्न समाधि लगाई, सुन्न समाधि में मुलख रहन लगे सब काल। उसी अवस्था में रहे सुन पाया चिरकाल। अन्य भक्त ने तब कहा बात ठीक है मीत, दश वर्ष तक रहे मुलख विसरी जग प्रतीत। जगती सकल मुलख विसराई, विलक्षण एक समाधि लगाई। समाधि में सब करते काम, चित्त बसे उनके प्रभु राम। हाटी पर भी वे थे जाते, काम वणिज के सब कर पाते। आश्चर्य चकित भये थे लोग, अद्भुत करता है यह योग। कहा अन्य ने मेरे भाई, कीन मुलख ने बहुत कमाई। सारी रात समाधि लगावे, सोने का ना चित में लावे। झट एक बोला अन्य सुजान, बिल्कुल ठीक यह सच लो मान। सारी रात समाधि लगावे, चोटी छत से बांध दिखावे। चोटी छत से बांधता नींद यदि आ जाए, झटका लागे डोर का, भूल नींद तब जाए। चकित भये तब सज्जन सारे, सुन मुलख के कर तब भारे। कहन लगे स्वर एक में सारे, धन्य मुलख हो राम प्यारे। राम प्रभु तपवन में कीना, तुमने वस्तिन में तप कीना। सब सुख दीने तुमने त्याग, योग साधन में एक अनुराग। जगत हेतु तुम यह तप कीना, निज तप से जग को सुख दीना। प्रभु से पाई शक्ति महान, जिसको देखे आज जहान। करे जो तेरा सिमरन नाथ, सब दुख त्यागे उसका साथ। जिसने मुलख राज को ध्याया, लाभ जन्म का उसने पाया। योग शक्ति के तुम हो स्वामी, भक्त तेरे हो पूर्ण कामी। पूर्ण कामी भक्त हो, तेरी चरणी लाग। शरण गहे जो मुलख की, जागे उसके भाग। एक भक्त तब गिरा उचारी,
जानो मुलख की शक्ति भारी। इनके सन्मुख पाप न आए, भये प्रेत भी इनसे पाए। एक काल की मैं बतलाऊं, आंखों देखी घटन सुनाऊं। अमृतसर की एक है नार, लगावे चौकी हफ्ते बार। रूह एक फकीर की आए, उसमें आप्रवेश को पाए। यह तो विदित नहीं है भाई, कब से चौकी वह चली आई। पूछन हेतु आए नर नार, भीड़ लगे वहां हर एक बार। चित में जो धार के आवे, उत्तर उसका वह जन पावे। ऐसी लागे चौकड़ी, भवन उसी हर बार। पूछन हेतु वहां भये, एकत्रित नर व नार। कुछ भक्त वहां एक दिन गए मुलख के साथ। देखन कौतुक वह बड़ा, बैठ रहे एक हाथ। सब साज वहां था रचा, सिर्फ रूह की देर। समय गया तो बीत था, लोग रहे थे हेर। सब जन भय अधीर थे, जो आए ले आस। नारी भी वह देखती, उसका चित्त उदास। उधर रूह थी ताकती, उसे न सूझे काज। भीतर कैसे जा सके, वहां मुलख का राज। योगी जन जहां स्थित हो, वह शुद्ध प्रदेश। अशुद्ध रूह का संभव, वहां नहीं प्रवेश। रूह वहां ना आ सके, उसकी नहीं बसात। योगी जन के सामने चले न उसकी बात। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।